नमस्कार दोस्तों दोस्तों वैज्ञानिकों ने कुछ दिन पहले यह सूचना दी थी कि 2008 GO20 नाम का उल्कापिंड पृथ्वी की तरफ 28,800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रहा है। वैज्ञानिक दृष्टि से यह काफी खतरनाक उल्कापिंड माना गया है। इस उल्कापिंड का आकार 220 मीटर चौड़ा है। यह उल्कापिंड ताजमहल के आकार का माना गया है। यह उल्कापिंड काफी खतरनाक, भयानक और आक्रामक उल्कापिंड है। लेकिन दोस्तों पृथ्वी से इस उल्कापिंड के टकराने की बात की जाए तो पता चलता है कि यह उल्कापिंड पृथ्वी से नहीं टकराएगा। इस उल्कापिंड से मनुष्य और पृथ्वी को कोई खतरा नहीं है। दोस्तों आज हम इस उल्कापिंड से पृथ्वी की दूरी की बात करेंगे कि कितनी दूरी से यह उल्कापिंड गुजरेगा और क्या इस उल्कापिंड से आने वाले समय में पृथ्वी को कोई खतरा है। आज इस वीडियो में हम आपके लिए 2008 GO20 नाम के उल्कापिंड की पूरी जानकारी लेकर आए हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि आप कोई भी वीडियो मिस न कर सके, साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों इस 2008 GO20 नाम के उल्कापिंड से पृथ्वी को कोई खतरा नहीं है। यह आकार में 220 मीटर चौड़ा है। यह उल्कापिंड पृथ्वी की तरफ 28,800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रहा है, मतलब कि यह उल्कापिंड एक मिनट में ही 480 किलोमीटर का सफर तय कर लेता है। दोस्तों इस उल्कापिंड से मनुष्य और पृथ्वी दोनों को कोई खतरा नहीं है। यह उल्कापिंड पृथ्वी से 28 लाख किलोमीटर की दूरी से गुजरेगा, मतलब कि जितनी दूरी पृथ्वी से चंद्रमा की है उससे भी 4 गुना ज्यादा दूरी से यह उल्कापिंड निकलेगा। आज रात यानी 24 और 25 जुलाई की रात को 12:30 बजे पृथ्वी को बिना किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाए यह 2008 GO20 नाम का उल्कापिंड निकल जाएगा। इसलिए दोस्तों डरने की बात नहीं है क्योंकि यह उल्कापिंड हमारी पृथ्वी से नहीं टकराएगा। दोस्तों इस वीडियो में आपको थोड़ा भी कुछ अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल के नीचे एक लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल आइकन के नोटिफिकेशन ऑन कर ले। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए शुक्रिया। सब्सक्राइब करना ना भूले।